आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का अगला पार्ट। प्रश्न वही है, संख्या बदल गई है, 510 और 92। अब आपको 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर ये चेक करना है कि इन दोनों का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। अगले कुछ क्वेश्चंस में इस चीज का उपयोग करेंगे कि किसी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम इसका उपयोग करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं 510 और 92 के। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड बनाने का हमारा जो तरीका है वो वही सिंपल सा प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या प्रोसेस है, 510। अब इस 510 के आपको गुणनखंड करने हैं, पीछे जीरो है, 100% ये 2 से डिवाइड होगा, हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, कितना आएगा बोलो, 2, या कितना है, 5 से छोटी संख्या 2 की टेबल में आएगी, 2 2 जा 4, कितनी बार आई, 2 बार, तो यहां लिखेंगे 2। जब 4 आई है और यहां 5 है, 5 में से 4 को माइनस कीजिए, कितना बचा, 1, पीछे क्या है, 1, कितना हो गया, 11, 2 की टेबल में 11 नहीं आता है लेकिन 10 आता है, कितनी बार, 5 टाइम्स, तो 2 5 जा 10, कितना था हमारे पास, 11, यहां कितना आया, 10, 11 में से 10 माइनस, बोलो कितना हुआ, 11 में से 10 माइनस, बोलो यार जल्दी, कितना, 11 में से 10 माइनस 1, 1 आया, पीछे 0, कितना हो गया, 10, 2 से फिर 10 डिवाइड होगा, कितनी बार, 5 बार, तो ये 255 टाइम्स जो है डिवाइड हो गया। अब ये 255 है, इस 255 को फिर डिवाइड करिए, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड करें, 3 से करके देखते हैं होता है नहीं होता है। चलिए हम इसको 3 से करके देखें, तो कितना होगा, 2 में तो डिवाइड होगा नहीं, 2 डिजिट लेना पड़ेंगे, 25, जब 25 लिए तो 3 की टेबल में 25 नहीं आता है, कितना आएगा, 3 8 जा 24, कितना आएगा, 3 8 जा 24। अब जब 3 8 जा 24 आया, ऊपर कितना है, 25, तो 25 में से 24 गया तो 1 बचा, 1 के बाद इधर क्या बचा आपके पास, 5, कितना हो गया फिर, 15, क्या 3 की टेबल में 15 आता है, यस, 3 5 जा 15, तो ये 85 हो गया। अब इसमें 3 से डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, अब इसको 5 से डिवाइड करिए, जब इसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बना, 8, 5 बन जा 5, 8 माइनस 5 3, पीछे कितना है, 5 35, 7 की टेबल में फिर 35 आता है क्या, यस, कितनी बार, 7 टाइम्स। अब ये 17 के अलावा किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमने लिख दिया 17 और यहां लिख दिया 1, यानी आपके पास 510 के अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहा है 2 × 3 × 5 × 7 70। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए, किसके किसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, 510। अब हम बात कर रहे हैं किसके अभाज्य गुणनखंड की, तो अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है 92 के। 92 के अभाज्य गुणनखंड,
92 है, पीछे 2 है, 2 से डिवाइड होगा। बोलिए क्या आएगा यहां पर, 2 4 जा 8, ये 9 है तो 2 4 जा 8, बचा कितना 1, पीछे कितना है 2, 12 हो गया तो 2 6 जा 12, फिर किससे जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23। अब 23 किसी और से डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं, तो फिर ये हो गया आपका 23 और यहां आ गया। अब हमारे पास यहां क्या मिला, यहां पर मिला है इस 92 के अभाज्य गुणनखंड और वो हो गए हमारे पास 2 × 2 × 23, ये सब अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। अब देखिए हमारे पास 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब हमें निकालना है HCF और LCF। अब हम यहां निकालते हैं इसका HCF। देखिए HCF अभी मैंने निकालना बताया था आपको, किस किस का HCF निकालते हैं अपन, 510 और 92 का। तो यहां लिख लिया हमने HCF 510 कॉमा 92। अब कितना होगा ये HCF, अभी मैंने निकालना आप लोगों को सिखाया था, कितना जो दोनों में हो कॉमन हो वो फैक्टर आपका इसमें आ जाएगा। अब यहां देखिए इस 510 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो हम यहां देखेंगे कि इसमें यहां 2 आ रहा है, इसमें यहां 2 आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है, इसमें नहीं है, और इसमें 23 है, इसमें नहीं है। तो केवल 2 जो है वो दोनों में है, और जो दोनों में हो वही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बना वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये निकाल लिया हमने यहां पर इसका HCF। अब क्या करना आपको, अब लेना है आपको LCM। LCM किसका लेंगे, 510 कॉमा 92 का। अब ये LCM कैसे आएगा, क्या कहा था मैंने आपसे, इन दोनों के फैक्टर्स को देखेंगे और जो सबसे ज्यादा बार जिसमें आ रहा है उतनी उसकी पावर ले लेंगे। चलिए अब देखते हैं, हम यहां बात करते हैं 2 की, ठीक है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। आप मुझे बताइए कि किसमें 2 की पावर ज्यादा है, इसमें 2 की पावर कितनी है, 1 है, इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 है, दो बार 2 है तो पावर भी कितनी होगी, 2। तो जिसमें पावर ज्यादा है वो हम फैक्टर ले लेंगे। तो एक फैक्टर इसका बना 2 × 2। ये तो बात हो गई 2 की। अब बात करते हैं हम 3 की, 3 इसमें है, क्या इसमें भी है, नहीं, केवल इसी में है, इसमें है तो इसको एज इट इज हम लिख लेंगे। तो ये बना आपका 3, ये आप 3 भी हो गया। 5 की बात करें, 5 इसमें है, क्या इसमें भी है, नहीं, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा इनटू। ये क्या आया, 17, 17, 17 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, हमें 17 भी एक बार लिखना पड़ेगा। ये हुआ 17 इनटू, ये कितना है, 23, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, ये हो गया आपका 23। ये जो चीजें हमने ली है
ये इनका जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा आपका, एल सी एफ। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लीकेशन करें। अब जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको मिलने वाला है 23,460। कितना मिल रहा है, 23460। तो 23460 एलसीएम है और एचसीएफ इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने की टेक्निक है। कोई कंफ्यूजन है, एक बार फिर एलसीएम की बात कर रहा हूं। एलसीएम में क्या करना, आपको इसको देखना, इसको देखना, एक एक अभाज्य गुणनखंड को उठा दे जाइए, और वह गुणनखंड अगर एक में ही है दूसरे में नहीं है तो उसको लेना, और जो दोनों में है तो जिसमें ज्यादा बार है उसको लेना। सीधी सी बात, अगर वो दोनों में है तो जिसमें ज्यादा बार है उसको लेना। मान लो एक में दो एक बार है और एक में दो दो बार है, तो आप दो बार वाला ले लीजिए, एक बार वाला छोड़ दीजिए, और जो एक में है उसको तो लेना ही है। तो मेरे यहां पर दो इसमें दो बार थे और इसमें दो एक बार था, तो मैंने देखिए यहां दो दो बार ले लिया, बाकी सब कॉमन किसी में भी नहीं है तो सबको ले लिया, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये बन गया 23,460। ये तो पहला भाग हो गया एलसीएफ और एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे कह रहा है कि जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCF। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो एक संख्या आपके पास 510 है, दूसरी कितनी है 92 है, इज इक्वल टू HCF कितना निकाला हमने यहां पर, 2 निकाला, ये HCF 2 आ गया। LCM कितना निकाला हमने, LCM निकाला 23,460। अब आप 23,460 में इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये आएगा 46,920। कितना आ रहा है, 46,920, 46,920। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करिए, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी यही आने वाला है आपका, कितना आएगा, 46920। इसका मतलब ये दोनों बराबर है और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्लियर है, आगे बात समझे, बिल्कुल सारी चीजों को मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको एलसीएम में कैलकुलेशन करनी है, कैसे आपको एचसीएफ में कैलकुलेशन करनी है। एक बार फिर बता रहा हूं, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखना, ठीक है, लेकिन एलसीएम की हम बात कर रहे हैं तो एलसीएम में दोनों में अगर है तो जिसमें ज्यादा बार है उसको लिखना, कम बार वाले को छोड़ देना। क्लियर, इतना याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है आप उनको सॉल्व करिए, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, उस कंफ्यूजन को हमसे दूर करवाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, कैसे एलसीएम निकालना, कैसे एचसीएफ निकालना है, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इससे आपको एक फॉर्मूला मिला है। क्या है वो फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के।
इस सूत्र का उपयोग करके हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इस सूत्र को आप याद करिए, उसके बाद हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके okay?